ओ हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। आज अपने को एक ऐसे बाइक के बारे में बात करेंगे जो एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से, और जो रिसेंटली फरवरी में लॉन्च की गई थी। ठीक है, उस बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। ठीक है, आपने बहुत वीडियोज़ देखी होंगी उसके बारे में। ठीक है, उस बाइक के बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हर एक बात को डिटेल में बताऊंगा कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ये बाइक लेते समय, और क्या इसमें ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको इस बाइक को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फटाफट आपको बता देता हूँ इंजन के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए एक ब्रांड न्यू इंजन है 163 cc का। ठीक है, जो कि 4-stroke 2-valve इंजन है एंड ये OHC इंजन है। ठीक है, SOHC इंजन नहीं है, ये OHC इंजन है। अच्छा, जिसको नहीं पता OHC और SOHC में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको फ़िलहाल अभी इतना जानना है कि OHC इंजन इज़ अ बेटर चॉइस। ठीक है, थोड़ा एक बेटर आपको इंजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एयर कूल्ड इंजन होने वाला है। ठीक है, तो ये एयर कूल्ड इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सेंस नहीं बनाता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं दिया है कंपनी ने। ठीक है, तो इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फटाफट से पहले आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो आपको एयर कूल्ड इंजन 4-stroke मिलता है। ठीक है ना, 4-stroke 2-valve OHC इंजन मिलता है 163 cc का, जिसमें आपको 15 bhp की पावर 8500 rpm पे, और जो टॉर्क होगी वो होगी 14 Nm 6500 rpm पर। ठीक है, आपको फ्यूल डिलीवरी के लिए फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको 14 सेंसर देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो एक काफ़ी एक बढ़िया आपको यहाँ पे फ्यूल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें आपको किक भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है यार, कि जैसे इसकी जितनी भी राइवल्स हैं वो सारे 160 cc सेगमेंट में, तो वो सारे किक हटा रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपको किक अभी भी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा देखते हैं। तो इसमें जो है ना, आपको कोई स्लिपर क्लच वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको मल्टी प्लेट वेट क्लच जो कन्वेंशनल क्लच होता है आपको वही देखने को मिलेगा। 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिलता है, और ट्यूबुलर डायमंड शेप का आपको इसमें चैसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चैसिस से क्या होता है ना कि इस बाइक का वेट जो है काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, आपका जो बाइक का वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द लाइटेस्ट मशीन है ये, सो ये भी एक इसके प्लस पॉइंट में ऐड हो जाता है। तो इसके बारे में अपने जो है बाद में बात करते हैं। आपको आगे में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ, और उसमें जो 37 mm का डायमीटर देखने को मिलता है उसका। ठीक है, अगर आप रियर की बात करेंगे तो आपको 7-step राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिलेगा, जो कि आप मतलब कि उसकी 7 बार सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बारे में अपने बात करने वाले। तो आगे पीछे में इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे 276 mm की पेट्रल डिस्क ब्रेक है, और पीछे में 220 mm की पेट्रल डिस्क ब्रेक होगी, और पीछे में 130 mm का ड्रम भी देखने को मिलता है, जो आपको पीछे में ऑप्शन मिलता है कि या तो आप डिस्क लगवा लो या तो ड्रम लगवा लो, लेकिन डिस्क इज प्रेफर्ड। ठीक है, टायर साइज की बात करेंगे तो आगे में 100/80 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, और पीछे में 130/70 का रेडियल 17 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो कि रेडियल टायर है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि रेडियल टायर बहुत अच्छी ग्रिप देता है। ठीक है ना, कॉर्नर्स में, तो आपको उसके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इसमें और भी बात करें तो सीट हाइट आपको 790 mm की देखने को मिलेगी, और ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है, जिसके कारण जो है जो शॉर्ट राइडर्स हैं जिनकी हाइट 5'5" से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी मतलब मिनिमम हाइट 5'4" या 5'5" है, वो भी राइड कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल को। ठीक है, इसकी कर्व वेट बहुत कम है। ठीक है, 138.5 kg है सिंगल डिस्क के लिए, और डुअल डिस्क के लिए है आपका 139.5 kg। तो वन ऑफ द लाइटेस्ट मशीन है अपने सेगमेंट में। ठीक है, बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके वेट इससे 10-12 kg ऊपर है, सो ये आपको राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी सिटी में, और इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है।
ठीक है। बाकी अब अगर इसकी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो आपको इसमें फुल्ली डिजिटल सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है ना, फुल्ली एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। आगे में आपको रोबोटिक हेडलैम्प देखने को मिलती है, पीछे में एच शेप्ड एलईडी हेडलैम्प देखने मिलती है जो कि स्मोक्ड है, ठीक है। आपको इसमें कोई काली पट्टी जो है ना ऊपर से जो फिल्म चढ़वाते हैं काली वाली वो डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको इसमें एलईडी इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। आपको इसमें हज़ार्ड लाइट का भी स्विच देखने को मिलता है जो कि काफ़ी एक बढ़िया इसका ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ठीक है। और बाकी बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वही, ठीक है। एंड जो बाकी जो है लाइट्स वाइट्स जैसे ABS की लाइट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स की लाइट वगैरह हो गई, वो आपको डिजिटल नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको फिजिकल देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये थोड़ा कंपनी ने प्रॉब्लम कर दी है, लेकिन ठीक है। डिजिटल इसका जो कंसोल है, जो आगे में जो मीटर कंसोल है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, तो आपको शायद छोटा लगे, और वो इन्वर्टेड LCD कंसोल है, ठीक है। उसमें आपको RPM मीटर, स्पीड, टाइम, ये सब देखने को मिलेगा, एंड सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती, कुछ नहीं गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को नहीं मिला, ना ही तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात की गई है, ना ही कुछ और है, ठीक है। सो ये तो बात हो गई इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये बाइक जो है स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट को बिलोंग करती है, ठीक है, स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट को बिलोंग करती है। एंड अगर हम लोग इसकी पावर की बात करें तो पावर अच्छी खासी दी है हीरो वाली कंपनी ने, पावर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। इंजन बहुत टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है अच्छा खासा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप पुल करते जा रहे हैं तो बाइक पुल ही नहीं कर रही, ठीक है। तो एक्सेलरेटर और जो पुल के बीच में जो मतलब बोलते हैं ना कि लीनियर पुल है, तो वैसे ही आपको फील होगा, लेकिन 8500 RPM के बाद आपको ऐसा फील होगा कि बाइक पुल नहीं कर रही है, और वो क्यों है, वो उसके टू वेल्व इंजन के कारण है। जैसे अपाची की RTR 164V जो कि सेम प्राइस टैग, मतलब 1 से 2 हज़ार का डिफरेंस है दोनों में, उसमें आपको फोर वेल्व का इंजन देखने को मिलता है, उसमें आपको हाई एंड जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो टॉप में आपको हाई स्पीड के दौरान जो पुल मिलता है वो उसमें बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। सो अगर बात करें इस बाइक की, तो इसमें आपको पुल जो है अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है, मिड एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन हाई एंड में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि ये 8500 के बाद कुछ खास पुल नहीं करती हैं, ठीक है, सिर्फ इंजन आवाज़ करता है एंड वो पुल अच्छे से नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, हीरो कंपनी ने तो ये स्पोर्ट्स कम्यूटर को तो बोल दिया है, लेकिन इसकी पिलियन राइडर की जो सीट है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, तो उस पर कंपनी को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी छोटी पिलियन सीट, भाई बहुत लोग तो इसकी पिलियन सीट देख के ये बाइक को छोड़ देते हैं कि भाई इसमें तो पिलियन सीट ठीक ही नहीं है, तो कैसे लें। घर में बहुत सा होते हैं कि पीछे में जो राइडर होता है तो वो अपने पेरेंट्स को या किसी को तो लेके जाएगा ही ना, तो अगर पिलियन सीट ही कम्फर्टेबल नहीं होगी तो क्या फ़ायदा इस बाइक का, ठीक है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे कंज्यूमर्स अपाची और NS की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पिलियन सीट आपको कुछ खास देखने को मिलती है, और आपको ग्रैब रेल भी देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है कुछ खास सपोर्ट देखने को मिलता नहीं पीछे में, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करें सीट की, तो सीट मेरे को तो पर्सनली अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। सीट जितनी ज़्यादा कुशनी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी उंगलियाँ उस सीट के अंदर जाएगी आप जब प्रेस करोगे, वो सीट आपको उतनी ही जल्दी दर्द देने वाली है आपके बैक में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, जितनी सॉफ्ट सीट होती है उतनी ज़्यादा जो है जल्दी आपको दर्द होता है, इसीलिए आप जैसे अपाचे और NS में देखेंगे तो सीट हार्ड रहती है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, आप लॉन्ग राइड्स बढ़िया आसानी से कर सकते हैं, इसमें अगर आप 15 से 20 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको बट में दर्द होना चालू हो जाएगा, इसकी बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि इनकी जितनी भी मतलब मोटरसाइकिल्स आती है तो उनमें ऑलमोस्ट सेम मटेरियल जैसे ही सेम यूज़ होता है सीट का, तो सेम ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इस बाइक में कोई कमी नहीं है यार, कमी तो है, तो
ज़्यादा कोई कमियां नहीं है जिन्हें जिसके कारण आप इस बाइक को नहीं खरीदे। जैसे इसमें आपको जो वेल्डिंग्स हैं, जो वेल्ड्स हैं, वो आपको आराम से दिखेंगे, ठीक है, बाइक में, चाहे वो चैसी हो, चाहे वो आपका एग्जॉस्ट हो, आपको सब जगह वेल्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड कोई ऐसा नहीं कि इसमें वायर एक्सपोज्ड है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हल्की फुल्के वेल्डिंग्स तो एक्सपोज दिखेंगी ही आपको। अच्छा, मुझे एक पर्सनली दिक्कत है इसके, मतलब इंस्ट्रूमेंट के जो स्विच गियर है, ठीक है, स्विच गियर से मेरे को बहुत दिक्कत है इसकी, क्योंकि स्विच गियर इसकी उतनी बेटर क्वालिटी की नहीं है जितनी बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनली इसका स्विच गियर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरे को तो उतना खास नहीं लगा स्विच गियर। एंड बाकी इसके जो फाइबर पार्ट्स हैं वो भी कुछ खास इम्प्रेसिव क्वालिटी के नहीं है, मेरे को अपाची के इससे थोड़े बेटर लगते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के टर्म्स में ये एवरेज है बाइक, ठीक है, कोई खास आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, लुक्स के मामले में ये अपने सेगमेंट में मैं बोल सकता हूँ बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है। अच्छा, ये आपको ना 3 कलर में देखने को मिलेगी, रेड, वाइट और ब्लू कलर में, ठीक है, तो आपको ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। तो अब बात करते कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे कौन बैठा नहीं बैठा, आपको तो एक ऐसी बाइक चाहिए जो माइलेज भी दे दे अच्छी खासी, ठीक है। ये जो बाइक है आपको 45 से 50 तक की माइलेज आराम से देगी, सिटी में 45 के आसपास देगी एंड हाईवे में 50 के आसपास, ठीक है। सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप माइलेज के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी इसमें देखने को मिलेगी, लुक्स चाहिए तो लुक्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, मैं तो कहूँगा लुक्स तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। सो अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको कॉलेज जाना है इस बाइक पे, तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसमें पिलियन का भी ख्याल रखना है कि हाँ, इसमें पिलियन अच्छा से एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। आप तो मस्त बैठ जाओगे, आपके लिए बहुत स्पेस रहेगी, लेकिन पीछे वाले के पास नहीं रहेगी, एंड पीछे वाला जो है सामान भी नहीं रख पाएगा इस पे, ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बाकी इसका बाकी जो फाइबर पैनल है, जितने भी फाइबर पार्ट्स हैं, जो उतने कुछ खास क्वालिटी के नहीं है, तो आप बाइक को बड़े ही ध्यान से देख के लीजिएगा। पर्सनली कंपनी को थोड़ा बिल्ड क्वालिटी पे काम करना चाहिए था, ठीक है। सो इसका जो ड्रम वेरिएंट की प्राइस है वो 99,000 है, और जो डिस्क वेरिएंट है उसकी 1,03,000 के आसपास कुछ है, ठीक है। तो आप ऑन रोड प्राइस चेक कर लीजिएगा अपने सिटी में, तो वो वेरी करते रहता है। लेकिन मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में इसकी जो ऑन रोड प्राइस चल रही है अभी डुअल डिस्क की है 1,29,000 एंड ड्रम वाले की है 1,25,000, ठीक है। तो ऐसी कुछ चल रही है, एंड हीरो क्लेम करती है कि 4.7 सेकंड्स में 0-60 कर देगी, लेकिन मेरे ख्याल से इस बाइक की गियर बॉक्स जो है उतना स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो उतने स्मूथनेस के कारण जो है वो टाइम डिले, मतलब वो थोड़ा डिले हो ही जाता है। तो ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छा पैकेज निकल के आती है अगर इसकी कंपटीटर्स के कंपेयर करें तो। अगर आप मेरे को पूछोगे कि हीरो एक्सट्रीम 160R, NS160 एंड अपाचे RTR 164V के बीच में कौन सी बाइक चूज़ करूँ, तो मैं आपको बोलूँगा अपाचे RTR 164V, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं, लेकिन आपको अपाचे के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, तो आप हीरो की तरफ अपना जो है आराम से इस बाइक को खरीदे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर भी आपको, लेकिन हीरो से मिलिए। ओवरऑल ये बाइक की काफ़ी बढ़िया पैकेज निकल के आता है, तो अगर आपको ये ख़रीदनी है तो आप नियरेस्ट शोरूम के पास जाइए एंड उनसे पता कीजिए, एंड इंटरेस्ट रेट आप अच्छा खासा अपना लगवाइए, क्योंकि वो लोग काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं इंटरेस्ट रेट देने में, तो वो कभी 10% बोलेंगे, कभी 12, कभी 9% बोलेंगे, तो आपका अलग अलग चलते रहेगा। तो अगर आप ये बाइक में इंटरेस्टेड है तो आप ये ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा आप, अगर आपके पास चॉइस है कि आप TVS पे भरोसा करते हो, तो आप TVS पे तरफ ज़रूर जाइए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे।